हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईश्वर अकेडमी। मैं आप सबका दोस्त ईश्वर मेरे इस यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूँ। हम लोग एसक्यूएल सर्वर ट्यूटोरियल की बात कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस टाइप से हम लोग किसी पर्टिकुलर टेबल में की इंफॉर्मेशन को डिलीट कर सकते हैं, चाहे वो सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स हो या फिर सारे रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये सारा का सारा पार्ट था हमारा डीएमएल स्टेटमेंट का। अब हम धीरे धीरे वीडियोज़ में आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो एक एक फंक्शनलिटी एड ऑन होती रहेगी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑर्डर बाय क्लॉज की। सो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप लोग नए व्यूवर्स हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, रिंग बेल आइकॉन को प्रेस करें और लाइक करें और शेयर करें। जनरली क्या होता है कि जब हम लोग किसी पर्टिकुलर डेटाबेस में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं यूजिंग इंसर्ट स्टेटमेंट, तो उस टाइम पे हम जो डेटा इंसर्ट करते हैं वो रैंडम फॉर्मेट में होता है। तो वो डेटा को किसी भी स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम लोग ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करते हैं, राइट। क्लॉज मतलब होता है एक टाइप की कंडीशन या फिर प्रेडिकेट जिसको हम बोलते हैं, जिसके थ्रू हम डेटा के ऊपर हमारे कंट्रोल रख सकते हैं, राइट। चाहे डेटा को अरेंज करना हो, चाहे डेटा का वैल्यू फेच करना हो, चाहे पर्टिकुलर क्लॉज पर पर्टिकुलर कंडीशन पे हमको डेटा रिमूव करना हो, अपडेट करना हो, तो वो क्लॉजेस काम करते हैं उस टर्म पर। जैसे हमने देखा है वेयर, वेयर भी एक टाइप का क्लॉज है। हम डिटेल में बात करेंगे वेयर क्लॉज के ऊपर। अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ऑर्डर बाय क्लॉज, जो हमारा फर्स्ट क्लॉज है। सो ऑर्डर बाय, जिस हिसाब से इसका नाम है तो वैसे ही ये काम करता है। ऑर्डर बाय क्लॉज का काम है किसी भी स्टोर्ड रिकॉर्ड को पर्टिकुलर टेबल में के सॉर्ट करना, चाहे वो डेटा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग हो। जब भी हम कोई रिकॉर्ड्स देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम के लिए जाते हैं, तो जब हम एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में हमारा जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किया हुआ होता है, और वो ऑर्डर होता है जनरली असेंडिंग ऑर्डर, तो स्टार्टिंग विद नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो सिमिलर वे में हम डेटाबेस के अंदर स्टोर की हुई वैल्यूज को भी कंट्रोल कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं यूजिंग ऑर्डर बाय क्लॉज, ठीक है, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर हो। सो हमको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ऑर्डर बाय क्लॉज ये नंबर टाइप की वैल्यूज पे भी काम करता है, मतलब नंबर टाइप की वैल्यूज हो एंड देन स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज पे भी काम करता है। तो नंबर टाइप की वैल्यूज लाइक 1 to 100 है तो 1 to 100 असेंडिंग ऑर्डर एंड 100 to 1 मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। एंड सिमिलरली स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज पे काम करता है, सो A to Z एंड Z to A का जो कॉम्बिनेशन है उस पर ये काम करता है। सेकेंड थिंग इज इम्पॉर्टेंट जो है कि ऑर्डर बाय क्लॉज हमेशा सेलेक्ट स्टेटमेंट में यूज होता है। सेलेक्ट स्टेटमेंट का काम है हमको रिकॉर्ड्स दिखाना, मतलब हम लोग कोई रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं तो उस टाइम पे सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज होता है, और रिपोर्ट जनरेशन के टाइम पर फिर हमको बताना पड़ता है कि हमारा जो डेटा है, हमारा जो इंफॉर्मेशन है, हमको किस ऑर्डर में चाहिए। अगर हम बैंकिंग का इंफॉर्मेशन रिपोर्ट देखना चाहते हैं या फिर स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो जनरली हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं, राइट। तो उस टाइम पे डेट के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर रहती है, सेम वे में हम लोग ऑर्डर बाय क्लॉज वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमको ये पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर ऑर्डर के हिसाब से, किस पर्टिकुलर डेटा के हिसाब से हमको हमारा जो रिपोर्ट है वो जनरेट करनी है। तो देखेंगे हम लोग सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू, ओके। इसका सिंटैक्स जो देखेंगे वो सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ ही रहेगा जैसे कि मैंने बताया, और बहुत ही सिंपल होता है। हमने ये ध्यान रखना है कि क्लॉजेज हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि क्लॉजेज जो है सिलेक्ट स्टेटमेंट खत्म होने से पहले यूज होता है। मतलब जब हमने देखा था सिलेक्ट स्टेटमेंट, तो सिलेक्ट स्टेटमेंट का सिंटैक्स देखा था सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम की यहाँ पर सिलेक्ट स्टेटमेंट फिनिश हो गया है, तो इसके बाद हमेशा क्लॉजेज आएंगे, चाहे वो वेयर क्लॉज हो, चाहे ऑर्डर बाय क्लॉज हो, या फिर हम लोग बात करेंगे अगर ग्रुप बाय क्लॉज की और हैविंग क्लॉज की, तो वो सारे के सारे क्लॉजेज यहाँ पर आएंगे। कुछ अलग टाइप के क्लॉजेस भी है एम एस एसक्यूएल सर्वर में, हम वो देखेंगे कि उनका जो प्लेसिंग है वो कहाँ होता है। बट जो चार मेन इंपॉर्टेंट क्लॉजेस है, ऑर्डर बाय, वेयर, ग्रुप बाय एंड हैविंग, इनका प्लेसिंग जो होता है ये हमेशा सिलेक्ट स्टेटमेंट के एंडिंग पर होता है, अपडेट स्टेटमेंट के एंडिंग पर होता है और डिले स्टेटमेंट के एंडिंग पर होता है, राइट। तो ये है हमारा ऑर्डर बाय क्लॉज। सो ऑर्डर बाय कॉलम नेम, हमको ये बताना है कि किस पर्टिकुलर कॉलम के हिसाब से हमको ऑर्डरिंग करनी है, चाहे वो सैलरी हो, चाहे रोल नंबर हो, चाहे नेम हो, एज हो,
किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशन हम टारगेट कर सकते हैं, और उस पर्टिकुलर टारगेट किए हुए इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम बचा हुआ जो डेटा है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एंड देन यहाँ पर दिख रहा है आपको स्क्वायर पैरेंथेसिस में स्क्वायर ब्रैकेट में डिस, सो DESC, इसका मीनिंग होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आप किसी इंफॉर्मेशन को असेंडिंग ऑर्डर में फेच करना चाहते हो तो उस टाइम पे आपको किसी भी टाइप का कीवर्ड मेंशन करने की जरूरत नहीं, आप सिंपली ऑर्डर बाय और पर्टिकुलर कॉलम का नेम बता सकते हो तो वो असेंडिंग ऑर्डर में आपको डेटा देगा। बट जब आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको किसी इंफॉर्मेशन को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है या अरेंज करना है, तो एट दैट टाइम हमको DESC ये कीवर्ड एंड पे मेंशन करना होता है, जिससे वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड उस पर्टिकुलर कॉलम के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता है। सो फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल्स दिए, एक है असेंडिंग का और एक है डिसेंडिंग का। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो हम सारे के सारे कॉलम्स की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना चाहते हैं, और किसके हिसाब से? सो एम्प्लॉय सैलरी के ऑर्डर के हिसाब से, सो ऑर्डर बाय एम्प्लॉय सैलरी। सो EMP सैलरी हमारा ये कॉलम नेम है, इस कॉलम के हिसाब से हमको इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करके चाहिए। सो सिंपली हमने एम्प्लॉय सैलरी लिखा है ऑर्डर बाय के बाद में, और उसके साथ कुछ मेंशन नहीं किया है, तो डेफिनेटली रिकॉर्ड जो है वो सैलरी के असेंडिंग ऑर्डर से हमको डिस्प्ले करके मिलेंगे। एंड सेकंड एग्जांपल जो है उसमें हमने एट द एंड DESC कीवर्ड यूज किया है, जिसका मीनिंग है कि सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा और उसके हिसाब से बाकी रिकॉर्ड जो है वो रिटर्न करेगा, राइट। सो ये तो था थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन, अब हम लोग बात करेंगे इसका प्रैक्टिकल। सो चलिए बढ़ते हैं हम लोग SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में। सो मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय इन्फो में 5 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करके रखे हैं, जिसमें एम्प्लॉय ID, नेम, सैलरी, जॉब, फोन एंड डिपार्टमेंट ID है, और ये जो डेटा है ये रैंडम ऑर्डर में है। रैंडम ऑर्डर में है जिसका मतलब आप देख सकते हो, अगर एम्प्लॉय ID कॉलम को अगर हम स्किप करें, क्योंकि एम्प्लॉय ID कॉलम पे हमने प्राइमरी की अप्लाई की है, प्राइमरी की जो है ये हमेशा सॉर्टेड फॉर्म में रहती है। हमने जब टेबल क्रिएट किया था तो उस टाइम पे हमने वो मेंशन किया था, आप वो वीडियो देख सकते हो कि कैसे प्राइमरी की हमने अप्लाई किया था। बट अगर आप नेम का कॉलम, सैलरी का कॉलम, जॉब का कॉलम, फोन या डिपार्टमेंट ID का कॉलम देखो, तो यहाँ पर जो डेटा है ये सब रैंडम ऑर्डर में है। नेम्स रैंडम ऑर्डर है, माइक, एडम, स्टीव, जेम्स, पैन। सैलरी 45,000, 25,000, 12,000, ऐसे रैंडम ऑर्डर में है। जॉब भी डिजाइनर, डेवलपर, टेस्टर, CEO, अकाउंटेंट। फोन नंबर में भी ऐसे ही हमको वेरिएशन दिख रहे हैं, और डिपार्टमेंट ID में भी 10, 20, 10, 30, 20। सो हम इन 5 कॉलम्स को यूज करके हमारा सॉर्टिंग कर सकते हैं, राइट। तो सॉर्टिंग करने के लिए सबसे पहले अगर हमने बोला जाए कि हमको एम्प्लॉयज की सैलरी की हिसाब से डेटा अरेंज करके दो, सो हमने सिंपली यूज करना है ऑर्डर बाय और कॉलम का नेम, सो एम्प्लॉय सैलरी। जो हमने स्लाइड पे एग्जांपल देखा था वही एग्जांपल आप अभी देखोगे कि पहली सैलरी 45,000 है और नाम है माइक, ID है 1। ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड हमारा चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर जो रिकॉर्ड है वो सबसे पहले 12,000 आएगा, देन 25,000, देन 32,000, 45,000 एंड देन 68,000। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं इसका रिजल्ट। सो जैसे कि मैंने बोला था आपको, पहला रिकॉर्ड था हमारा माइक का, जिसकी सैलरी थी 45,000, वो अब चली गई है हमारे नीचे, और डेटा जो है एम्प्लॉय सैलरी के हिसाब से अरेंज हो गया है। सो पहले सैलरी है जिसकी 12,000, उसका डेटा पूरा का पूरा फर्स्ट लाइन में आ गया है, देन है 25,000 के हिसाब से सारा रिकॉर्ड। तो इस वे में हम पर्टिकुलर कॉलम के हिसाब से हमारा पूरा का पूरा डेटा जो है वो एक ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। ये आपको डेटा जो है ये असेंडिंग ऑर्डर में मिला है। अगर हम डेटा चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आपको सिंपली सिंपली MDEC कीवर्ड जो है ये मेंशन करना है। तो क्या होगा, ये पूरे के पूरा रिकॉर्ड जो है फिर से शफल हो जाएंगे, और सबसे पहले सैलरी आ जाएगी 68,000 की, और लास्ट सैलरी आ जाएगी 12,000 की। तो इस वे में हम लोग किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को टारगेट करके हमारा डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि सेलेक्ट हम पर्टिकुलर कॉलम को ही डिस्प्ले करेंगे, एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो, और नेम को हम ऑर्डर से अरेंज करेंगे, सो ऑर्डर बाय EMP नेम, और इसका ऑर्डरिंग हम लोग रखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में।
तो इससे आप देख सकते हो कि पहले आ गया एडम, देन ब्रायन। तो अल्फाबेटिकली जो डिक्शनरी का फॉर्मेट होता है उसके हिसाब से ए बी जे एम एस, तो ये फॉर्मेट हो गया है। और अगर इसी डेटा को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहें तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में, एस एम जे बी। तो ये था सिंपल फॉर्मेट ऑर्डर बाय क्लॉज का। सो आई होप आप लोगों को ऑर्डर बाय क्लॉज समझ में आया होगा, और इसको कैसे यूज करते हैं हम लोग वो भी आपको समझ में आया होगा। और आपने साइड बाय साइड ये वीडियो देखते देखते भी ये सेम क्वेरीज को अपने डेस्कटॉप पर या फिर लैपटॉप पर परफॉर्म करके देखा होगा, जिससे आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं आया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो क्वेरी जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, साथ में जो एरर आ रहा है वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका उसका सॉल्यूशन डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगा। सो टिल देन गाइस, गुड बाय एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।